मैं आप लोगों को आज से 100 साल पीछे लेके जा रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर सिक्स यानी इस जगह पे जो है ना बुक्स वगैरह जलाई गई थी, और जो राइटर्स थे यानी यहाँ पर ये देखे ना, ये इससे मेरा इस तरह नॉक होता होगा शायद उस जमाने में। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये सब कुछ जो है ना तबाह हो गया था, तो ये जो स्ट्रक्चर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद भट्ट है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आप लोगों को आज से 100 साल पीछे लेके जा रहा हूँ वर्ल्ड वॉर टू और में। उस वक्त की जो हिस्ट्री है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। और इस जगह पे मैं खड़ा हूँ जिसका नाम है रॉयमर प्लाट्स यानी रॉयमर बैग। ये एक फ्रैंकफर्ट की बहुत ही मशहूर जगह है और इसको ज़्यादातर लोग ओल्ड टाउन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसका हिस्ट्री से बहुत ताल्लुक़ है, और वो मैं आप लोगों के साथ आज सारा कुछ शेयर करूँगा। जिन लोगों ने मेरा व्लॉग अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, तो आए अपना व्लॉग शुरू कर दें। अच्छा, 1945 के बाद क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद जो फ्रैंकफर्ट सिटी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो बमबारी की वजह से और अलाइड फोर्सेस की वजह से टोटली ख़त्म हो चुका हुआ था, और उसमें 99% जो बिल्डिंग्स हैं वो तबाह हो गई हुई थी। और उनमें से जो है ना ये तीन बिल्डिंग्स जो है ना, ये जो सामने है ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये वाली जो तीन बिल्डिंग्स है ना, ये वाली 1, 2, 3, ये रोमन एम्पायर वालों के पास थी 1400 साल में। और जब वर्ल्ड वॉर टू हुई है तो फ्रैंकफर्ट तो बिल्कुल तबाह हो चुका हुआ था, तो ये वाली बिल्डिंग्स भी काफ़ी हद तक डैमेज हो गई थी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ये वही ओल्ड स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुराना, और उसी को जो है ना इन्होंने दोबारा से जो है ना रीबिल्ड किया है और दोबारा से उसी फॉर्म में उसी स्ट्रक्चर में इसको लेके आए हैं। तभी ये बहुत मशहूर प्लेस है जिसको रॉयमर प्लट्स कहते हैं। और ये जो बिल्डिंग्स हैं जो आपको सारी ये नज़र आ रही हैं, ये वन ऑफ द आप समझ लें कि ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स हैं ऑफ दिस टाउन। अच्छा, ये मैं आप लोगों को जो है ना बिल्डिंग्स दिखाता हूँ करीब से। ये देखें, ये वाली जो है ना बिल्डिंग्स हैं, और अब तो ये सारी रिकन्स्ट्रक्ट हो गई हैं। और नीचे जो है ना आप देख सकते हैं कि सारी आइस कॉफ़ीज़ हैं, खाने पीने की शॉप्स बन गई हुई हैं, और ये एक ट्रेंड सा बन गया, ये सारा एक टूरिस्ट प्लेस बन गया जहाँ पर लोग आते हैं और इस चीज़ को जो है ना इंजॉय करते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक सिंबल है जो 1600 साल में बना था, और ये रॉयमर बैग के नाम से ये भी बहुत मशहूर है। तो ये भी एक हिस्ट्री से चीज़ ताल्लुक़ रखती है और बहुत पुरानी है, आप समझ लें कोई 600 साल पुरानी चीज़ है ये। एक्चुअली मुझे लगता है जर्मन खेल रहा है, आज फुटबॉल भी है और बहुत लोग जो है ना हार वगैरह पहन के झंडे लेके जो है ना आज जा रहे हैं। अच्छा, एक हिस्ट्री से रिलेटेड और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो ये है कि 1933 में जब एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था बुक बर्निंग का, वो भी एक जगह जो है ना यहाँ पर मौजूद है। उसमें स्टूडेंट्स वगैरह निकले थे और नाज़ी पार्टी थी जो हिटलर की पार्टी थी, उनके साथ मिलके उन्होंने बहुत सारी जो है बुक्स वगैरह को जो है ना वो बर्न किया था, उनको जलाया था, और वो लाखों करोड़ों की तादाद में थी जो बुक्स थे, जिसमें मोस्टली जो बुक्स थी वो ज्यूइश थी, और बड़े बड़े जो फिलोसोफर हैं उनकी थी, जो राइटर्स हैं उनकी थी, और वो सब बुक्स को जो है ना उस वक्त जलाने का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जिसमें बर्लिन में ऑलमोस्ट 40,000 जो है ना बुक्स जो है ना वो बर्न हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट में भी एक ऐसी जगह है, वो भी यहाँ पर है, जो जहाँ पर लोग लाखों की तादाद में जो है ना वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है ना 1933 में जो है ना वो बुक्स जो है ना जलाना शुरू की थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं बिल्कुल उसके करीब हूँ, ये देखिए। अच्छा, बड़ी मुश्किल से जो है ना ये जगह फाइंड आउट हुई है, ये ऑलमोस्ट 91 ईयर्स पुरानी जगह है और इसका हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। ये देखें, इसको उन्होंने एक स्पॉट बना दिया हुआ है। अच्छा, ये देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अंदिजिस्टल फेब्रांटन अम सेंट माइन 900 यानी इस जगह पे जो है ना बुक्स वगैरह जलाई गई थी, और यानी जो फिलोसोफर्स हैं उनके जो है ना ये वाले नाम लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारे उनके नाम्स हैं जिनकी जो बुक्स वगैरह जो है ना ये सारी जलाई गई थी। ये देखें, सब उनके नाम जो है ना ये इसके अंदर मौजूद हैं। ये जो सामने बिल्डिंग्स है ना, ये जो ओल्ड टाउन है उसके बिल्कुल ये नीचे है ना, ये वाला ये है वो जगह। अच्छा, ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है ना, ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और अब तो यहाँ पर जो है ना आप बर्गमास्टर होता है, यानी कि मेरे ख्याल है कोई जो मजिस्ट्रेट होता है या कोई फ्रैंकफर्ट का जो मिनिस्टर है वो यहाँ पर आप बैठता है, और कोई शादीज़ वगैरह हों जो बहुत ही हाई लेवल की होती हैं, रॉयल शादीज़ हैं वो इसके अंदर होती हैं, या कोई सेरेमनीज वगैरह जो है ना वो उससे रिलेटेड ये अब है। लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है और बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, जो जिससे हिस्ट्री जो है ना वो पता चलती है यहाँ की।
अच्छा, इसके जरा करीब जाके देखते हैं, इनके जो वो दरवाजे हैं ना, ये देखें उस जमाने के जो उस तरह के स्ट्रक्चर के जो इन्होंने किए हुए हैं, ये देखें बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, ये उसी तरह उन्होंने बनाया हुआ है, ये जो पकड़ने के लिए यहाँ पर, ये देखें ना, ये इससे मेरा ख्याल इस तरह नॉक होता होगा शायद उस जमाने, बहुत ही खूबसूरत है ये भी। और यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद कुछ लिखा होगा, नहीं 1900 कुछ लिखा हुआ है बस, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर 846। ये मेरा ख्याल है कोई डिफरेंट किस्म की जो है ना कोई राइटिंग सी लग रही है मुझे, आई डोंट नो, उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग जो है ना अब और अंदर वाली जो इनकी अंदरून गलियाँ हैं वो देखते हैं, वो विज़िट करते हैं, वहाँ चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखें ये उस ज़माने के जो है ना इन्होंने यूनिफॉर्म्स के साथ ना कोई डेकोरेशन पीसेस बनाए हुए हैं, ये देखें। और ये यहाँ पर जो ना इन्होंने ये जो रोमर है ना उसके कप वगैरह हैं, ये अपना उन्होंने ना कल्चर शो किया हुआ है कि उस ज़माने जो ना इस तरह ब्रेड जो इनकी होती थी उस इस तरह की शक्ल की होती थी, ये देखें। और उस ज़माने में जो है ना ये देखें इस तरह का जो ना ये जैम वगैरह के साथ था उनका, और ये उनके कपों के सेट उस तरह की उन्होंने जो है ना डेकोरेशन पीसेस बनाए हुए हैं छोटे छोटे घर में रखने के लिए, किया था बहुत जो है ना उस ज़माने में ये घर होते थे, ये तकरीबन आज से आप समझ लें 100 साल पहले। अभी भी ऐसे होता है जब भी यहाँ कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं या कोई नया स्ट्रक्चर बनता है, कोई खुदाई होती है, तो अक्सर उसके अंदर जो है ना बॉम्ब्स वगैरह अभी तक मिल जाते हैं यहाँ पर फ्रेंड। अच्छा, ये जो सामने चर्च है ना ये वाला, इसके ऊपर मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया हुआ है, मेरा ख्याल है शायद पहले ब्लॉगों में से एक था, तो उसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें से मोस्टली जो घर हैं वो सब नए बने हैं, लेकिन बाकी आप समझ लें कि सारा जो है ना वही इन्होंने उसी तरह जो है ना सब कुछ रिकन्स्ट्रक्ट किया हुआ। इस तरह की जो आपको चीज़ें ना ये काफ़ी यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, इनका भी कोई हिस्ट्री से ताल्लुक़ वगैरह होता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना ये जो पानी आ रहा है इसकी चोंच में से, ये देखें ये पानी जो है ना चश्मे का है, और बड़ा खूबसूरती से उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा, ये शॉप वगैरह में उन्होंने जो है ना ये उन्होंने सिंबल्स वगैरह बनाए हुए हैं, जो लोग शॉपिंग करना चाहें इस तरह की चीज़ें अपने घर में लगाना चाहें तो ये उनके लिए बहुत खूबसूरत बनाया हुआ उन्होंने। अच्छा, ये जो है ना अंदर उन्होंने गलियां वगैरह सी बनाई हुई है, पूरा एक ओल्ड टाउन बनाया हुआ है अंदर, ये आप देख सकते हैं। ये रिंग वगैरह है और ये कुछ टॉप्स वगैरह लग रहे हैं जो कानों के हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखें बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, रश यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ही भीड़ है, बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बहुत टूरिज्म आया हुआ है, और वर्ल्ड कप भी जो है ना यहाँ पर शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर VM है, यानी कि यूरोप का जो वर्ल्ड कप है ना वो शुरू हो रहा है। तो अब हम लोग जो है ना ओल्ड टाउन से न्यू टाउन की तरफ जा रहे हैं, न्यू सिटी की तरफ, तो उम्मीद है कि आप अगर आप लोग यहाँ पर आए कभी विज़िट करें इस साइड पे, तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो भी आप लोग जो है ना देख सकते हैं। ओहो, ले जी मेरी फेवरेट आइस शॉप आ गई है, हागन डस, और जब ये वाली शॉप आ जाए ना तो अंदर जाना तो बनता है। तो जी अंदर चलते हैं, गर्मी आ रही है ना, तो आप गर्मियों के ड्रिंक्स वगैरह जो है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और इनकी आइसक्रीम की जो वराइटीज़ हैं। ले जी मैंने तो कुकीज़ आइस ली है, और इसके अलावा इनके पास बेतहाशा वराइटीज़ हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर इतना रश है क्योंकि फुटबॉल मैच शुरू हो गया है, तो ये हागन डास वालों की जो है ना आइसक्रीम है, इसको ट्राई करके देखते हैं, ये बहुत अच्छी आइस होती है इनकी भी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्या बात। अब जो है ना मैं ओल्ड टाउन से जो है ना न्यू टाउन में आ गया हूँ, और ये सारी जो है ना आप ये बिल्डिंग्स जो देख रहे हैं ना, ये वाली ये सारे बैंक्स हैं, और ये सारा जो है ना न्यू फ्रैंकफर्ट है जो बाद में जो है ना बना। अच्छा, ये शॉपिंग मॉल जो है ना ये वन ऑफ माई फेवरेट, ये सारा जो है ना स्ट्रीट का नाम साहिल है, और ये सारा यहाँ पर लोग जो है ना आके शॉपिंग वगैरह करते हैं, सारे राइट साइड में लेफ्ट साइड में जो है ना यहाँ पर सारे ब्रांड्स वगैरह हैं। अच्छा, मैं अब एक स्टोर के अंदर जा रहा हूँ जिसका नाम है माइट साहिल, ये देखें हम ऊपर जा रहे हैं अभी, और इसकी कंस्ट्रक्शन आपको दिखाते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ये देखें सारा शीशों के साथ इन्होंने बनाया है, और बहुत ही अच्छी इसकी कंस्ट्रक्शन उन्होंने की हुई है।
इसके अंदर हर किस्म के जो है ना ब्रांड्स हैं, और बहुत अच्छे अच्छे जो है ना आइस कॉफ़ी शॉप्स हैं। उसके अलावा बैठने के लिए बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखें इनकी जो ये एक्सेलरेशन है ऊपर आने की नीचे जाने की, ये कमाल की इन्होंने जो है ना डिज़ाइनिंग की हुई है। अच्छा, ये जो है ना इसका स्टोर का नाम है माइट साइल, और इसके भी अगर आप सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाए ना तो पूरा आपको यहाँ से फ्रैंकफर्ट सिटी जो है ना वो नज़र आता है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ी सी मैंने आप लोगों के साथ हिस्ट्री जो है ना वो शेयर की है 1945 के मुतालिक। और अगर इसी तरह के ब्लॉग आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।